उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी के पर्व की हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विजयदशमी का पर्व अधर्म पर धर्म, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का संहार किया था। संपूर्ण भारत में यह पर्व परंपरागत श्रद्धा भाव एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सत्य, मर्यादा, न्याय, शांति, परोपकार और लोक कल्याण के लिए समर्पित थे। नैतिक, मानवीय और सामाजिक मूल्यों के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन सद्मार्ग पर चलने एवं आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करता है। विजयदशमी के पर्व पर हमें आशा, उत्सव और ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का संदेश देता है। विजयदशमी के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने आतंक, अन्याय एवं अधर्म के पर्याय रावण पर विजय प्राप्त की थी। विजयदशमी शक्ति उपासना का उत्सव है। नवरात्रि के 9 दिन जगदम्बा की उपासना करके भक्तों में शक्ति का संचार होता है। भगवान राम के समय से ही यह दिन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विजयदशमी के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में विभिन्न वर्गों के सहभागिता से सामाजिक समरसता सुदृढ़ होती है। उन्होंने प्रदेशवासियों से इन पर्वों को पारस्परिक सद्भावना एवं सौहार्द के वातावरण में मनाने की अपील भी की है।